आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मटन मर्रा बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा तरीका। देखिए कमर्शियली अगर देखें आप तो मटन मर्रा का जो प्रोसीजर वो बहुत लंबा होता है। उसको पहले ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखते हैं, उसके बाद उसको तंदूर के अंदर या ओवन के अंदर घंटों के लिए पकाते हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं। अगर आपके पास या आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप उसको एक घंटे के अंदर मटन मर्रा तैयार करके खिला सकते हैं। तो वो कैसे बनता है आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुजन नाना, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पकाओ परखाओ में। चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन दबा दें, उसकी नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो बनाएं वो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आप इसको ड्राई भी सर्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बटर डाल के, या अगर आप चाहें तो इसको मेरी तरह क्रीम और बटर डाल के भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही गजब का बन के तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर हमें मटन का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया रान का। जो रान का हिस्सा होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, एकदम मॉइस्ट होता है। और इसके अंदर बहुत सारे लोग पुट का भी इस्तेमाल करते हैं यानी कि कमर का, लेकिन मैंने यहाँ पे रान का लिया है। तो ये देखिए हड्डी वाला होता है यानी कि नली वाला, बहुत ही जूसी बनकर तैयार होगा। अब हमने सिंपली करना ये है, एक कुकर के अंदर मटन डाल देंगे। अब इसके अंदर जाएगा पानी। पानी का हमने इतना इस्तेमाल करना है कि सिर्फ और सिर्फ ये गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छे फ्लेवर के लिए जाएगा। इसके अंदर लौंग और इलायची, बहुत ज़रा सा नमक। हमने इसकी लिड लगा करके इसको हाई फ्लेम पर दो सीटियाँ लानी है, उसके बाद हमने इसको लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये हमारा 80-90% गल सके। हमने इसको 100% कुक नहीं करना है। तो देखिए हमारा जो कुकर है ये हमने बंद कर दिया था, इसकी जो स्टीम निकल चुकी है। अब हमने मटन को निकाल लेना है और ये जो इसकी यखनी बचेगी ना ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, तो आपने इसको जो है फेंकना नहीं है, डिस्कार्ड नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप चाहें तो इसको चावलों के अंदर या किसी ग्रेवी वाली आइटम के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, ये मटन निकाल करके किसी बर्तन के अंदर रख लेंगे और इसको हमने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसमें जाएगा नमक, बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी इस्तेमाल करा है नमक का। बहुत ज़रा से इसमें जाएंगी काली मिर्चें, तकरीबन 1/4 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा गर्म मसाला। सिर्फ और सिर्फ मसालों के अंदर यही दोनों चीज़ें जाएंगी। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 टीस्पून है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने दही का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने कोई भी कुकिंग ऑयल ले लेना है, रिफाइंड ऑयल लेंगे। तो देखिए बस ज़रा सा डालना है हमने, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद हमने इसको रोस्ट कर लेना है। अब हमने इसको कोयले की बिल्कुल हल्की आंच पे चारों तरफ से इसको भून लेना है यानी कि रोस्ट कर लेना है। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, इसको अंदर तक बिल्कुल देखिए मॉइस्ट हो जाए, जब अपने जूसेस रिलीज कर देगा और ब्राउन से स्पॉट आ जाएंगे जब तक हमने इसको रोस्ट कर लेना है। तो देखिए हमारा मटन बर्रा जो है रोस्ट हो चुका है, अच्छे से बन के तैयार है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बटर। बटर जो है थोड़ा बढ़िया करके डालिएगा क्योंकि बटर डालने के बाद और भी ज़्यादा जूसी बन के तैयार होगा। तो देखिए कितना गज़ब का बन के तैयार हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लुक देखिए आप, लग रहा ना बिल्कुल टेम्पटिंग, बस आपका मन कर रहा होगा अभी आप इसको निकाल करके और अभी खा लें। और देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी यूट्यूब की फैमिली का मेंबर बन सकें और हम इसी तरीके से वीडियोज़ बनाते रहें और आप लोगों तक पहुँचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसको बनाइए और इन्जॉय करिए।